मेरा जय माता दी। और हमारे जितने भी मीडिया गण हैं, मैं सबको तय दिल से प्रणाम करता हूं। मैं आनंदी मिश्रा जी, कहिए सर जी, कल के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है और जैसा पोस्टर देख रहे हैं साउथ इंडियन टाइप की जी जी। जहाँ तक नाम भी आप लोग देख रहे हैं कि अजूबा है, कलूटी द ब्लैक ब्यूटी, जिसके डायरेक्टर हैं मनोज जी और श्याम चरण जी हैं। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बस इतना ज़रूर बोलूँगा कि हर किसी की फिल्म बहुत अच्छी होती है, और मैं भी ये कहता हूँ कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी है, तो ये चीज़ है। देखिए सर, जहाँ तक कहानी की बात है ना, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसके बारे में। मैं आपको इतना चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि कोई चीज़ की तलाश है, हमें किसी चीज़ की तलाश है, वो तलाश को हमें पूरा करना है, जो कलूटी द ब्लैक ब्यूटी में आपको देखने को मिलेगा। एक तलाश, एक खोज है, क्या पता वो मिले या ना मिले हमें। देखिए, मेरे लाइफ की पहली फिल्म ऐसी है ये कलूटी की। मेरे जो इसमें अवतार है बहुत तरह के दिखेंगे, मैं कभी आपको, हो सकता मैं धोती कुर्ता पे भी दिखूँ, बनियान पे दिखूँ, जींस पे दिखूँ, टॉप पे दिखूँ, और एक अलग अलग अंदाज है। मेरे 7-8 कैरेक्टर दिखेंगे पूरे फिल्म के अंदर में। सर, हीरोइन की जहाँ तक बात है तो अभी उनके बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी फाइनल हम लोग नहीं किए हैं। उनको सस्पेंस में रखा गया, वो अचानक आएगी। वो देखिए, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आपके मनोज जी हैं और श्याम चरण जी हैं, प्रोड्यूसर हमारे मीरा जी हैं। मैं सबसे बड़ी चीज़ तो नहीं बोलूँगा, एक अच्छी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि इन लोगों ने एक बहुत अच्छी शुरुआत किया है फिल्म को लेकर, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है हर जगह से पॉजिटिव थिंक है। और मैं माता रानी से ये भी कहूँगा कि ये फिल्म जब बने और जब ये रिलीज हो तो पूरी दुनिया इस फिल्म को देखे मल्टीप्लेक्स में जाकर। ये कलूटी फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कि एकदम से इस नाम पे मूवी बनाना, तो एक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? आप लोग ने जहाँ तक सुना होगा, हमारे गांव साइड में बोला जाता है कलूटी, हाँ, कि चिढ़ाना बोलते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या कलूटी, किधर जा रही हो, तो ऐसी ऐसी चीज़ है इस फिल्म के अंदर में। और जो आपको हमने बताया कि एक चीज़ है जिसे खोजा जा रहा है, उस खोज की तलाश है, क्या पता वो खोज हमें मिले या ना मिले, इसलिए सस्पेंस रखा गया कलूटी द ब्लैक ब्यूटी इस नाम से। कब से फ्लोर पे जाएगी सर? ये जून जुलाई अगस्त तक ही जाएगी फ्लोर पे जी। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मेरी सारी फिल्मों को बहुत प्यार दिया है, और जब मेरी फिल्म आई कलूटी द ब्लैक ब्यूटी, तो आप लोग भी इस फिल्म को बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आप लोग से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आनंद भैया, आपकी वो ब्लैक ब्यूटी है कहाँ पे? सर वो सस्पेंस है सर अभी। पर अभी मीडिया सामने, तो कब तक सस्पेंस है ये भी बता दीजिए। उसका खुलासा जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्द होगा। तो उस दिन फिर हम मीडिया वाले इंतजार करें। देखिए सर, दूल्हा तो आ गया, दुल्हन भी आ जाएगी। मीडिया वाले खोज जाएंगे? नहीं, आप लोग की खोज बहुत जल्दी आप लोग को मिलेगी, जो आप लोग खोज रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे मनोज जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने जब इस कॉन्सेप्ट को बनाया है अपने तरीके से, तो बहुत रिसर्च किया है इस कॉन्सेप्ट को लेकर। और साथ ही साथ मैं मनोज जी से इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जब इस फिल्म की स्टोरी सुना, तो मैं खुद देखा कि ये सबसे अद्भुत है और ये सबसे अलग फिल्म है, क्योंकि कुछ नया चाहिए, जो आप लोग को ये नया चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि इसका टाइटल क्या है, कलूटी द ब्लैक ब्यूटी। फिल्म में आपका किरदार क्या है? देखिए, इस फिल्म में जो मेरा किरदार है, मैंने बताया जैसे कि 6 से 7 रूप मेरे दिखेंगे आपको। मैं कभी बनियान पे भी दिख सकता हूँ, कभी हाफ पैंट पे भी दिख सकता हूँ, मतलब बहुत सारे मेरे अद्भुत है। मैंने आपसे कहा ना, एक चीज़ है जिसकी खोज है, तो वो खोज के अंदर मैं कितने रूप में आऊँगा वो पर्दे पे दिखेगा। खोज पूरी कब होगी सर? बस शूटिंग पे जाने वाले हैं, जल्दी खोज पूरी हो जाएगी इसकी भी। खत्म होगी तो पब्लिक देख लेगी क्लाइमेक्स, क्योंकि ये तो सस्पेंस है, क्योंकि टाइटल ही ऐसा रखा गया है इसका, सस्पेंस थ्रिलर में। तो कहाँ कहाँ खोजने वाले हैं सर? देखिए, शायद यूपी में भी खोज सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी खोज सकते हैं हम लोग। फिल्म की शूटिंग कहाँ से स्टार्ट? ये फिल्म की शूटिंग आपको हो सकती है मध्य प्रदेश या यूपी में होगी। हाँ, और एक ही शेड्यूल में पूरी फिल्म कम्प्लीट होगी। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे मीरा जी भी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया इस फिल्म को लेकर,
तो मैं आप लोग से इतना ही कहना चाहता हूँ फिर से कि जिस तरह आप लोगों ने मेरी सारी फिल्मों को बहुत प्यार दिया है, उस तरह मेरी आने वाली फिल्म कलूटी द ब्लैक ब्यूटी, इसको भी बहुत प्यार दीजिए। मेरी टोटल 9 फिल्म हो गई है जिसमें 6 फिल्म रिलीज़ भी हो चुकी है, जैसा आप लोगों को मालूम भी है। अभी मेरी फिल्म आ रही है कहानी काशी की, सुन ले पुकार भोलेनाथ और दिल के करीब जब से आगलू तू। और अभी मेरी फिल्म जा रही है फ्लोर पे चांद के जैसन दुल्हन हमार, और मेरी एक हिंदी फिल्म भी है देवा की दीवानी। और अभी मैं जो करने के लिए जा रहा हूँ द ब्लैक ब्यूटी जो है अपना, वो करने के लिए जा रहा हूँ। सर आप क्या कहेंगे इस फिल्म के लिए? फिल्म के लिए तो सारी बात वो है कि हमारे जो इसमें मेन एक्टर हैं उनको बधाई दिए हैं, और समय जब आएगा तो खुद लोग जान जाएंगे कि क्या चीज़ है इस नई चीज़ की हम लोग खोज कर रहे हैं। खोज है जैसा मैंने कहा, नई चीज़ का हम लोग खोज कर रहे हैं, वो सारे लोग जान जाएंगे। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक समय देकर इस फिल्म को ज़रूर लोग देखें जब आती है। सर इस फिल्म में गाने कितने और किस तरह के होंगे? अब गाने जो भी होगा अब सामने आएगा और अच्छा होगा, रोमांटिक होगा, सिचुएशन का ऐसा होगा जैसा इस फिल्म का सिचुएशन होगा उस हिसाब से उसके गाने होंगे। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? जो भी है वो तो बता ही दिया इन लोगों ने, अब हम क्या बताएं। गाने अच्छे रहेंगे, हिंदी गाने रहेंगे, बढ़िया गाने रहेंगे। एक्चुअली फिल्म 3 लैंग्वेज में हो रही है, हिंदी, भोजपुरी और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज में फिल्म हो रही है। देखिए जहाँ तक हम लोग की कोशिश है कि हो सके तो कुछ ऐसे चीज़ें होंगे जो हम लोग ओरिजिनल शूट करेंगे तो डबिंग करेंगे हम लोग। मैडम बात के लिए सर, हीरो इतना एकदम गोरे चिट्टे एकदम चॉकलेटी वाले, इसके लिए आप काली थोड़ा ढूंढ रहे हैं ऐसा क्यों? काली है मगर ब्यूटीफुल है, सुंदर है, खूबसूरत है। सर हम लोग ब्लैक ब्यूटी मतलब तो हम लोग खोज रहे हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि हीरो आपका सुंदर है गोरे हैं और हीरोइन जो है आपकी काली है सावली है कलूटी है, तो ये जो हम लोग खोज कर रहे हैं इस पर सर्च कर रहे हैं, तो ये जब फिल्म हमारी बन जाएगी तो सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, ये सबके सामने आ जाएगा। आप तीनों ही ब्लैक ब्यूटी से क्या समझते हैं, मतलब आपकी लाइफ में क्या है ब्लैक ब्यूटी? अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं इसमें, अब सामने आएगा। जितना आपका एक्सपीरियंस है उसमें ब्लैक ब्यूटी क्या है? देखिए जहाँ तक मैंने आपसे कहा कि जो एक फिल्म बन रही है एक खोज है, इसकी सारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एक सस्पेंस है ये। जैसे नाम हमारे यहाँ हमारे यहाँ ना वो लड़की है जो थोड़ा सा काली होती है ना, तो उसे कलूठी कहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में हमारी फ्रेंड लोग हुआ करती थी, वो काली होती थी तो हम लोग ऐसे बोलते थे क्या कलूठी कहाँ जा रही है, तो बोलते कीड़ा मत काली तो क्या हुआ रिझाना उसको। जी मैं मानता हूँ मतलब काले हैं तो क्या दिलवाले वो काले है मगर अच्छा, एक काले लोग चेहरे अच्छा नहीं लगता है, खूब बढ़िया सुंदर लगता है वैसे ही है। हम लोग बोलते हैं ना सांवला चेहरा, और स्क्रीन पे जैसे यहाँ तो वो चेहरा कुछ अलग दिखता है, बहुत गोरे होंगे तो वो स्क्रीन पे कुछ और दिखेगा। अब क्या बोलते हैं सांवले हम लोग जैसे होते हैं वो चेहरा कुछ और दिखता है, क्योंकि नेचुरल हो जाता है वो। अब ज़्यादा मैं खुद देखा हूँ कि ज़्यादा गोरे लोग ऑन कहीं भी जाएंगे तो धूप में उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो अपने आप को छुपाते हुए फिरेंगे, लेकिन काले लोग को क्या प्रॉब्लम, उनको मालूम है कि हम है जो है वही है। आपको लगता है काले लोग फिल्म देखने जाएंगे? देखिए जरूर जाएंगे, जरूर देखेंगे, ये फिल्म सबके लिए बन रही है। आपने सारी चीजें सस्पेंस में रखी है, तो कुछ थोड़ी बहुत तो मीडिया को नॉलेज दे दे ताकि दर्शकों को कुछ इंटरेस्ट जागे, ताकि वो मूवी देखने आए। इसके लिए वो डायरेक्टर साहब बताएंगे आपको। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सस्पेंस है ये। एक्चुअली वही छोटा सा जो चीज़ है ना वही मेन, अगर एक थोड़ा भी हमने बता दिया तो पूरा खुलासा हो जाएगा। एक छोटा सा सस्पेंस हमें अच्छा लगा, ये हमें अच्छा ये नाम लगा, हमने रख दिया, अब इसके आगे डायरेक्टर साहब जानते हैं। तो मेरा जी इस फिल्म में आप दिखने वाले, इस फिल्म में आप भी आने वाले, काम करने वाले फिल्म में? करेंगे क्यों नहीं करेंगे, हमारा फिल्म हम सोचेंगे करने के लिए करेंगे, प्रोड्यूसर हैं। मेरा नाम शेखर के झा है, और सबसे पहले यहाँ मुहूर्त में आए हुए जितने भी मेहमान जो अपना
कीमती समय निकाल कर आए हैं उनको सबसे पहले मेरा नमस्कार, राधे राधे। और कलूटी द ब्लैक ब्यूटी, इस मूवी के प्रोड्यूसर मीरा जी और हमारे बलिराम सर, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी मूवी सुपर डुपर हिट हो। और बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा किरदार इसमें मुखिया जी, मैं गांव का मुखिया हूँ। डायरेक्टर सर जो है मिस्टर मनोज राजभर और मिस्टर श्याम चरण यादव, इनके साथ मैंने एक मूवी की थी, भोजपुरी मूवी करम मरमानी ससुरारी में, वो भी हमारी, और वो मूवी भी मिस्टर बलिराम जी और अब मीरा जी की है पहली मूवी। तो उसमें मैंने उनका क्रिएशंस देखा, क्रिएटिव माइंड देखा, उनके साथ रहा, तो अब हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। और ये मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे इतना प्यारा लगा कि बस हम अगर कोई सिनेमा हॉल जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि भाई बाहर निकलें तो पूरी तरह से रिलैक्स हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मनोज राजभर और मिस्टर श्याम चरण यादव इज अ ग्रेट डायरेक्टर, इनको मौका मिलना चाहिए, और बस यही कहना चाहूँगा। मतलब काले रंग की वो सुंदरता जो सिर्फ आप लोगों को शायद नजर आएगी, बताएंगे कुछ फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि एक अच्छा सब्जेक्ट होगा, जिससे टाइटल है, ये टाइटल से ही लग रहा है कुछ अच्छा सब्जेक्ट होगा, कुछ अच्छा लिखा होगा श्याम जी और मनोज जी, तो उम्मीद है कि एक अच्छी फिल्म बनाएंगे लोग। और श्याम जी के साथ मैं काम कर चुका हूँ मनोज जी के साथ, तो ये जानता हूँ कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट लोग लेके आए होंगे, और जब ये बन के आएगी तो आप लोगों के साथ पता चलेगा कि क्या है। शुभकामनाएं दूंगी आप सभी के यूनिट को कि बहुत अच्छे से ये फिल्म जाए, और मुझे भी खास कुछ पता नहीं है इस फिल्म के बारे में, मतलब क्योंकि मुझे आनंद देव जी ने यहाँ पे इनवाइट किया है, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस फिल्म में काम कर रहे हैं? जी नहीं, अभी तो नहीं, मैं बस उनके थ्रू आई हूँ, आनंद देव जी तो इतने अच्छे एक्टर भी हैं, ऑब्वियसली अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं फिल्म तो बहुत अच्छी फिल्म होगी, तभी वो फिल्म कर रहे हैं, सो बहुत सारी शुभकामनाएं। कलूटी लोग फिल्म के लिए, और मैं इसमें एचओपी का काम कर रहा हूँ, मेरा नाम प्रवीण रावत। थैंक यू। मैं रवि यादव, और मैं सबसे पहले इस फिल्म के डायरेक्टर मनोज राजभर और श्याम चरण यादव जी हैं, जिनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ में हमारी जो प्रोड्यूसर है मीरा जी और उनके हस्बैंड हैं सर, तो उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने लोग यहां पे आए हैं, आप लोगों का आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और बहुत बहुत आप सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए। ये जैसा कि हमारे लीड एक्टर ने बताया कि एक खोज है ब्लैक ब्यूटी, तो ठीक उस टाइप का ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत हटके कॉन्सेप्ट है जो श्याम जी ने और मनोज राजभर जी ने एक क्रिएट किया है, और शायद ये खोज बहुत जल्द पूरी होने वाली है, और आप लोग देखेंगे जब खोज पूरी हो तो क्या खोज भी हो तो बाद में पता चलेगा। मीरा जी, मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, हिंदी फिर इंग्लिश और उसके बाद में भोजपुरी, मतलब पहले फिर हिंदी में बनाई जाएगी फिर इंग्लिश में बनेगी और बाद में सबसे लास्ट में भोजपुरी में? हिंदी में बनेगी। अच्छा, बाद में इंग्लिश? हाँ, बाद में। और तीसरे नंबर पे फिर भोजपुरी जी, बोले हिंदी बनेगी सब। अच्छा, इंग्लिश और भोजपुरी बाद में इसी में बनेगी, वो भी देखिए बनेगी, तीनों हिस्से में बनेगी ना, तीन भाषा। सबसे पहले मैं सभी भाई लोगों को यहाँ पर उपस्थित हुए सबको प्रणाम और नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म के मुहूर्त में शामिल हुआ। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ अपने श्याम जी के और श्याम जी की पूरी टीम का।
क्योंकि इससे पहले मेरी जंग सियासत की फिल्म रिलीज़ होने वाली है 29 जून को, उसमें काफ़ी सहयोग किया है हमारे श्याम चरण जी, और हम एक ज़िले के रहने वाले हैं यूपी आजमगढ़ से, काफ़ी इज्जत करते हैं, वो भी काफ़ी सम्मान करते हैं मेरा, और मैं काफ़ी उनकी इस शुरुआत, इस हिंदी फिल्म क्या है कलूटी, अच्छा कलूटी द ब्लैक ब्यूटी, वो काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ मैं अपने तरफ से कि काफ़ी सक्सेसफुल हो और काफ़ी नाम कमाए, और हमारे श्याम जी और उनके सहयोगी क्या नाम, अच्छा मनोज राजवर जी, काफ़ी आगे जाएं, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। सबसे पहले दोस्तों सारे मेहमान जो आए हैं यहाँ पर उपस्थित हैं सबको नमस्कार और बहुत बहुत बधाई हो डायरेक्टर श्याम चरण जी और मनोज राजभर जी को, और हमारे प्रोड्यूसर यहाँ बैठे हुए हैं मीरा राजभर जी, और बहुत अच्छा लग रहा कि कुछ नया करने जा रहे हैं कलूटी द ब्लैक ब्यूटी में, और बहुत जल्दी इसकी शूटिंग चालू होने वाली है, आप लोग के सामने आएगी, कुछ नया आएगा और बहुत अच्छा आप लोग को सिनेमा देखने को मिलेगा, और आप लोग के द्वारा ही तो हम लोग बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी फिल्म लेके आ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आपको अपना परिचय बताइए और जरा फिल्म के बारे में शुभकामनाएं बताइए। परिचय ज्योति भारद्वाज, मेकअप आर्टिस्ट। आप बहुत खूबसूरत हो, आप कुछ कहना चाहते हो कलूटी के बारे में? क्या कहूँ, बस मुझे दे दो, सुंदर बना दो। अरे वाह, एक ही तो आप बहुत सुंदर बनाओ। मेरा नाम पीहू घोष है और मैं मॉडलिंग करती हूँ, और बाकी मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है, और मैम मीरा जी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ही केयरिंग है, बहुत ख्याल रखती है सबका, और साथ में मैं आप सबसे कहना चाहूँगी ये ब्लैक ब्यूटी के बारे में बताना चाहूँगी आपको। आपने देखा होगा लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं, जिनका रंग बहुत फेयर होता है, लेकिन किसी के नैन नक्शे और वो देखने में अलग होती हैं, सबसे डिफरेंट होती है, और लेकिन कोई कोई ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बहुत ब्लैक होती हैं लेकिन उनके नैन नक्शे बहुत अच्छे होते हैं, जिसे देख के लोग, मगर ब्लैक को कोई देखना पसंद नहीं करता है कि यार ये कलूटी है, बेकार है, लेकिन जो गोरी लड़की होती है जिसके नैन नक्शे अच्छे नहीं होते हैं उसको देख के लोग कहते हैं वाह यार कितनी सुंदर है। तो इसमें एक ऐसा सस्पेंस रखा गया है जिसे आप सब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। तो इसलिए ये कहानी बहुत डिफरेंट है, तो आप आइए, आप सब देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सस्पेंस हो सकता है। आप कभी किसी ऐसी को मिले जिसको आपने चिढ़ाया एक कलूटी? हमने बहुत चिढ़ाया है। नहीं, मैं कलूटी नहीं कह रही, नहीं कुछ और बोलना। मैंने बहुत चिढ़ाया। दिल से ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। हां, जनाब जी ने मुझे बताया था पिछले मिनट पे। थैंक यू। बोलिए, आप बोलिए, चलिए बोलिए। क्या बोलिए, बोलिए कि जुड़े हैं। आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और इस मूवी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं मुहूर्त में आई हूँ, तो बस ये चाहूँगी ऐसे आगे बढ़ते रहें, आप लोग का आशीर्वाद रहेंगे सर, हम सबका आशीर्वाद रहेंगे। मैडम, आप? मैं आनंद जी के साथ हूँ, मैं उनके लिए बहुत बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। बेसिकली मैं भी एक एक्टर हूँ, मैंने काफ़ी मॉडलिंग करियर में किया हुआ है काम, अभी हिंदी में मैंने कर चुकी हूँ काम, अभी इस मूवी के लिए मैं बेस्ट विशेस के लिए आई हूँ एज अ गेस्ट आनंद जी के साथ। सारे मीडिया वाले को मेरी तरफ से नमस्कार। हमारी तरफ से भी आपको नमस्कार। थैंक यू सर। मेरी ये पहली फिल्म है, दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म मेरी करब मनमानी ससुर वाली, जिसमें श्याम जी हमारे डायरेक्टर साहब थे और मनोज जी भी उस फिल्म में डायरेक्टर साहब थे, और मनोज जी ने उस फिल्म में मुझे देखा कि रवि कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में सब कहानी बताई कि ऐसे सब आते हैं करना है आपको, आप उसके अंदर फिट बैठते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे कहानी सुनने में ही इतना मज़ा आया कि मैं बोला आप कर ही लेते हैं। तो मनोज जी और श्याम जी दोनों का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए लिया है, और हमारी मैडम हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनको भी धन्यवाद बोलता हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया गया, और क्या बोलूँ, आप पूछिए।
शुभकामना देना चाहते हो आप? जी, शुभकामना देना चाहता हूँ। ये मेरी दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म अजयली मैंने करमन ससुराली में फिल्म डायरेक्टर लोगों के साथ काम किया था, और अभी सेकंड फिल्म कर रहा हूँ मैं। आप फिल्म में हो जी, किरदार के बारे में बताया गया, रोल के बारे में बताया? किरदार तो अभी नहीं बताया गया, रोल मेरा है इसमें भी है, मैं इसमें विलन कर रहा हूँ, निगेटिव पूरे फिल्म में। और कहानी के बारे में तो मना किया गया है कि आप कहानी कुछ बताएंगे नहीं, किसी से शेयर नहीं करेंगे। और अगर आप भी आप कुछ कह पाए वहाँ से, अगर कुछ शुभकामनाएं नहीं दे पाए तो आपकी ऑडियो या तो आवाज़ तो आ जाएगी। बोलिए। सबको नमस्कार, मैं से जी इनके साथ रहता हूँ। मैं साहब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए सारे लोगों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस फिल्म के मुहूर्त पे आप सारे लोग आए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ये चौथी फिल्म एक साथ, मैं और मनोज जी पार्टनर में काम करते हैं। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था काम तो बोलते थे यार ये दो डायरेक्टर कैसे एक साथ में हो सकते हैं, लेकिन आज हमने फिर से एक बार साबित कर दिया कि हम दो लोग एक साथ काम कर सकते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मनोज जी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए। हमारे प्रोड्यूसर मीरा राजभर जी हैं, और हमारे पार्टनर श्यामचरण यादव, और हमारे कैमरामैन सावन एम प्रजापति जी हैं। ये कलूटी द ब्लैक ब्यूटी की जो हमारी कहानी है, हमने सबको बताया तो बहुत अच्छा लगा सबको। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये प्लान है पूरा कि हम इसको तीन लैंग्वेज में करने का फैसला किया है। कहानी बहुत ही अच्छी है, कहानी हम पूरा नहीं बता सकते आपको, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। जब ये बन के आएगी तो ये मतलब आज के डेट में क्या होता है ना कि हम लोग बार बार मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी को पकड़ा जाए या स्पिरिचुअल ब्यूटी को पकड़ा जाए, तो आंतरिक सौंदर्य अपना अपने आप में मायने रखता है और जो बाहरी सौंदर्य है, तो मैक्सिमम युवा आज के डेट में ना बाहरी सौंदर्य को फॉलो करते हैं और उसके पीछे भागते हैं, और जो रियल ब्यूटी होती है वो आंतरिक ब्यूटी हो, वो चाहे गोरी हो या काली हो, जिसका दिल साफ है, जिसका आंतरिक प्रेम अच्छा है, उसका ही प्रेम सबसे अच्छा कहा जाता है। तो उसको बेस बना के आज के युवाओं में आंतरिक ब्यूटी और बाहरी ब्यूटी को मतलब हमने एक स्ट्रगल दिखाया है, और उस पर इस बेस मतलब पूरी फिल्म को रखा है कि मतलब सांवली लड़की भी मतलब एक सुंदर लड़की हो सकती है, और उसका भी सौंदर्य उसका भी प्रेम बहुत ज़्यादा मायने रख सकता है। सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, अजय जी का धन्यवाद करता हूँ, और मुझे अपने साथ में रखा, मुझे अजय डी ओ पी के रूप में सेवा से जुड़ा, मैं उनका बहुत आभारी मैं मानता हूँ, मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ। एक फिल्म का जो टाइटल है, ये टाइटल ही अपने आप में एक अद्भुत संदेश देता है, क्योंकि काले रंग से भी लोगों को परहेज होता है, लेकिन इन्होंने अपने फिल्म का नाम भी रखा है कलूटी द ब्यूटी, अर्थात एक इन्होंने एक ऐसे कंसेप्ट को उठाया है जहां काले रंग से भी लोगों को प्यार हो, और यानी कलूटी लड़की जिसे कहते हैं या कलूटी रंग की स्त्री तो स्त्री है, यानी उसे भी मान सम्मान से देखना चाहिए, रंग के आधार पे उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर वो काले रंग की है तो भी वो दिल से अगर सुंदर है तो सुंदर है, अपने मन और विचार से सुंदर है तो सुंदर है। उसकी सुंदरता को एक स्त्री के मान सम्मान को बढ़ाने वाली ये फिल्म मेरे ख्याल से अपने शीर्षक के अनुसार ये दिख रही है कि अपने एक स्त्री के मान सम्मान को ऊंचा करने वाली फिल्म दिखती है। इसलिए हम इस फिल्म को के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को और कलाकारों को भी शुभेच्छा देते हैं।
बिल्कुल सर, सही कहा आपने, हमारे रिश्ता के बारे में विचार भी मिलते हैं। कुछ आप भी कहना चाहते हैं? सर मैंने सब कुछ तभी बताया है आपको, हमारे पति और जो बाकी था वो सब बता ही दिया साहब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। आज हमारे साथ मनोज जी, हमारे डायरेक्टर सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। मनोज जी बताइए आप। ये स्टोरी जब हमने लिखना शुरू किया था और कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया तो सबसे पहले मैंने सर्च किया कि इस स्टोरी में सबसे अच्छा फिट कौन हो, तो मैंने देव जी से मिला, तो मैंने देव जी से अपना कॉन्सेप्ट रखा, तो देव जी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, उस हिसाब से जो करेक्टर हमने डेवलप किया है वो देव जी सबसे इसमें फिट है। तो देव जी के मतलब क्या होता है कि जो कलोटी दा बैक ड्यूटी है तो इनके ऊपर बहुत फिट रहते हैं, जैसे मैंने इनको स्टोरी सुनाया तो देव जी काम करने के लिए रेडी हो गए। आनंद जी का मैंने जो काम देखा है उस हिसाब से मुझे लगा कि देव साहब बहुत अच्छे काम करते थे, तो पहली मीटिंग में इसके बारे में बताइए कौन होती है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए लैंग्वेज लिखा गया है हिंदी है, हिंदी तो मजबूरी है, तो जो लिखा गया है कलोटी का चुनाव हमने कर भी लिया है लेकिन अभी उसको हम सस्पेंस रखे हैं। सबसे पहले तो मैं मनोज राजभर जी और श्याम चरण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया और इतना अच्छा कंसेप्ट देख करके मेरा भी दिल यही कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा, और ख़ास करके जब आनंद देव जी हैं तो अच्छा ही होगा। और इस फिल्म को देख के ये तो लग रहा है ये ना तो हिंदी है ना भोजपुरी है, यानी कि पूरा इंटरटेन होगा, और इस सब्जेक्ट के लिए आनंद जी से अच्छा शायद कोई नहीं, क्योंकि ये ना तो भोजपुरी वाले दिखते हैं और ना हिंदी वाले दिखते हैं। इसीलिए ये तो बात सही है कि मुझे भी लगता है, जहाँ तक कि मैं बिहार में भी जब शूट पे जाता हूँ या यूपी में, और मैं जैसे ही भीड़ में अगर घुसता भी हूँ तो सब बोलते हैं अरे साउथ का हीरो आ गया, वो साउथ वाला हीरो आ गया रे भाई। अभी जैसे मैंने अमिताभ जी की एक फिल्म किया है जो रिलीज़ होने के लिए तैयार है, दिल के करीब जब से आ गलो तू, तो अभी बीच में मैं सिवान में शूट कर रहा था अमिताभ जी की फिल्म, तो वहाँ की आधी ऑडियंस ने क्या सोचा कि कोई साउथ का हीरो आ गया है, और इनको भी सब परेशान करते थे भाई साउथ का हीरो आ रहा है क्या, तो बोलते हाँ आ रहा है ना आ रहा है, मेरा गेटअप वही है, मैं सामने कुछ और स्क्रीन पे कुछ और, जैसा आप लोगों को फोटो में भी दिखता होगा। तो बहुत जगह लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बोलते भी कि नहीं आनंद जी आपके रूप अलग है, मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे रूप अलग है। थैंक यू।